हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा जुल्का की एक्टिंग शानदार रही है और उन्होंने 1991 में फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म जो जीता वही सिकंदर आई थी और इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था। इतना ही नहीं, अभिनेत्री की फिल्म सुपरहिट साबित हुई जिसके बाद रातों रात में सातवें आसमान पर पहुंच गई। लेकिन आयशा जुल्का का एक्टिंग कैरियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बावजूद भी उन्होंने मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहते हुए एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया और साल 2003 में कंस्ट्रक्शन टाइकून समीर वासी के साथ शादी रचाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरे तरीके से अलविदा कह दिया। वहीं आज आयशा की उम्र 48 साल हो चुकी है और उनकी शादी को 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आयशा को मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कहने की वजह और शादी के बाद भी मां नहीं बन पाने की वजह के बारे में बातचीत की। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने बेहद कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और इस वजह से वह अपनी जिंदगी आम इंसान की तरह नहीं जी पाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बॉलीवुड कैरियर को अलविदा कहने का फैसला कर लिया ताकि उनको आम इंसान की तरह जिंदगी जीने का मौका मिल सके। उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और आज वह अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश है। वहीं अपने एक इंटरव्यू में शादी के इतने सालों के बाद भी मां नहीं बनने के फैसले पर भी उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे नहीं है क्योंकि मैं खुद बच्चे नहीं चाहती हूँ और मैं खुश हूँ कि मेरे फैसले को मेरे परिवार ने भी स्वीकार किया है। मैं अपना पूरा समय सामाजिक कार्यों पर इस्तेमाल करती हूँ।